सोना गुड़िया बेटी है, बेटी है, मैं कैसे जिंदा थी बेटी, मैं मर जाती तुम छोड़ के कितनी ढूंढी बेटी मैंने अपनी पूरी जिंदगी की टाँ में लगा दी मेरी सोना बेटी मुझे अकेले छोड़ के चली गई थी बेटा मुझे कोई नहीं रख रही थी बेटी मैं अकेले तड़प रही थी जी 13 साल बाद आई है। क्या नाम है? राखी नाम है। कैसे पहचाने थी? क्या था पूरा मामला? इसकी पूरा नाम ही राखी है। ये पिछले कैसे गई थी 13 साल पहले? 13 साल पहले मैं काम बेलदारी करने जाती थी तो मैं घर पे छोड़ के चली गई इनको। फिर मैं आई तो मुझे मैं 4 बजे आ गई तो 4 बजे तो आ नहीं पाई मैं। 4 बजे आने की सोच रही मैं तो 4 बजे नहीं आ पाई मैं। तो जे लोग 4 बजे तक घर पे ही थे फिर 4 बजे के बाद में फिर ये लोगों को किसी ने जाते देखी होगी पर किसी ने मुझे बताई नहीं। कौन कौन थे वहां पे? बस्ती पे तो बहुत लोग थे। एक औरत कह रही कि यहीं से निकल के गए तुम्हारे बच्चे। पर मैंने जब पूछी कि बता दो बहन किस रास्ता से गई है तो मैं थाने पे बता दूंगी कि इस रास्ते से गए हैं तो छानबीन होगी कि किसी ने ले के गई है मुझे जे बता दो। तो मुझे किसी ने नहीं बताई। कहाँ रहते थे उन दिनों आप? हम 25 नंबर गली पे जगदीशपुरा में रहते थे, किशोरपुरा में। तो बच्चे के साथ? बच्चे के साथ बच्चा भी था आपका? हाँ, दोनों भैया बहन थे। क्या क्या नाम था? राखी और बबलू। अच्छा, अब बच्चे आपके मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, कैसे मिले हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बच्चे मिले हैं। सबकी माँ बाप को, जिसके बच्चा बिछड़े हुए, सबको मिले, सबको दुआ दूं मैं। ऐसी दुआ लगे कि बच्चे जो तड़प रहे वो सबके बच्चे आ जाए, माँ बाप से अपने मिल लें, ऐसी भगवान सबके लिए करे। चिमटा आपने गुस्से में मार दिया था बच्चे को? हाँ। क्या थी वो घटना? क्या वो? मैं दोपहर में आई थी खाना लेने के लिए अपने लिए, तो मैं खाना लेके और इसने घर के बर्तन नहीं मांजी थी तो मैंने कही बेटा तू दिन भर खेल रही है तूने बर्तन नहीं मांजी। तो मैं मुझसे कहने लगी कि अभी कर दूंगी मम्मी मैं। तो मैंने कही तू ऐसी करती रहती है, तू काम नहीं करती है तुझे। फिर मैंने इसको एक चिमटा मारी तो कह रहे कि मम्मी मैं कर दूंगी। तो मैंने कही ठीक है तू काम कर लियो। तो मैंने खाना बनाई, खाना बना के बैगन आलू की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी। तो ये चावल ज़्यादा खाती थी तो इसके लिए चावल रखी हुई थी मैंने बबलू के लिए, 2 रोटी छोड़ के और थोड़ी सी सब्जी छोड़ के। और फिर मैं अपने लिए 2 रोटी लेके फिर मैं चली गई काम पे। शाम को जब मैं 5 बजे आई तो मेरे दोनों बच्चे नहीं मिले थे मुझे। तो फिर मैंने सोची कि कोई परिवार के पास होगी कि कोई मतलब गुस्सा में ऐसी चली गई होगी। तो मैंने दो दिन तक ढूंढी इन्हें बहुत। फिर जब ये नहीं मिले तो मैंने सबसे कही मैं पढ़ी लिखी थी नहीं तो मैंने कही साहब मेरी कोई वो करवा दो, वो बोलिका पढ़ी करते हैं कहा वो करवा दो। तो जगदीशपुरा में जहाँ पे वो मेडिकल है सामने वही चौराहे पे उसने पर्चा लिखवाई थी मेरी थाने पे गुमशुदा बच्चों की मेरी। तो किसी से पूछी तो कोई ने बताई नहीं तो उनने गुमशुदा लिखी। तो फिर मैं थाना गई, थाने पे फिर मैंने लिखवाई पूछ पाछ करी। फिर मुझ पे ज़्यादा पैसा नहीं थे मैंने ढूंढी फिर भी मैं मेरे पैसा खत्म हो गया। फिर मैं शाम को दिन में चली जाती काम पे, शाम को फिर ढूंढती थी मैं। ऐसे करते करते रोज थाना जाती थी मैं। फिर थाना वाले ने कही कि तेरी 2 बच्चे गए हम भी ढूंढेंगे। तो फिर ज़्यादा वो लोगों ने नहीं ढूंढी साहब, अगर ढूंढते उस समय मेरे बच्चों को ना तो मेरे बच्चे मिल जाते। उस समय 13 साल पहले बहुत बच्चे गए थे और बहुत आते थे जगदीशपुरा थाने पे, सब सब बहुत रोते थे। मैं भी देखती थी, मैं भी रोती थी
मैं सोचती थी जितनी मेरी दुख है भगवान उतनी सबकी भी दुख है, कितनी चक्कर लगाऊं, कोई नहीं देखते, कोई नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चे इनको ढूंढ देंगे, जे भी नहीं कहते बता देंगे, हमें खबर मिलेगा तो हम बता देंगे, जे ही कहते थे साहब। तो मैंने सोची भगवान चक्कर लगाती रहूंगी, फिर सब लोग कहते, कोई कहते वहां चली जाओ, कोई कहते उसके पास चली जाओ, कोई ऐसे बच्चे भीख मांग रहे रास्ता में, देखो कहीं तुम्हारे बच्चों को ले गए हों, तो मैं बच्चों को देखती थी, मैं कहती थी भगवान जी मेरी नहीं। फिर मैं कई जनों ने बताई कि सूरत जाओ, तो मैंने किसी से कर्जा करके सूरत गई, 20,000 रुपया कर्जा करके। फिर मैं सूरज में देखी तो दोनों बच्चे भीख मांग रहे थे, वो क्या कहते कबाड़े भी नहीं थे, तो वो वहीं के बच्चे निकले। तो फिर वहां से हम लौट आए, फिर मैंने और जगह कही कि भुर्रा बाबा पे चलो जा, बता देते हैं कि जादू टोना नहीं करते हैं, बला देते हैं, भेद देते हैं किसी की बच्चों को, उन पे भी गई, तो किसी की कोई असर नहीं पड़ी मुझ पे। फिर मैं हार के फिर अपनी घर बैठ गई थी। फिर मेरी बहनें भैया कहते थे कि चलो हमारे ही बच्चों में सबर कर ले, क्या करेगी तू अकेली, कितनी तड़फेगी। फिर भी मैंने आस नहीं छोड़ी थी अपनी, कमाती थी तो मैं सब कोई वहां चली जाए, मैं ऐसी कोई शहर नहीं होगी आसपास की कि मैं घूम ही नहीं हूँ। फिर यहाँ पे अनाथ आश्रम विद्यालय है, वहां भी गई थी कि कहीं गए हुए वहां भी, कौन सी जगह के नाम है मम्मी, बिटोरा गई, बिटोरा वाले में गई थी, हाँ बिटोरा वाले में गई थी मैं। और तो वहां पे क्या हुआ फिर, कहाँ पे, जहाँ आश्रम में गई थी वहाँ क्या बोला, नहीं मिली। आश्रम में गए थे तो बच्चे दिखाई थी साहब, पर बहुत बच्चे थे उसमें, हमारे बच्चे नहीं थे, तो हम लौट आए थे वहां से। अब बच्चे मिले हैं, अब बच्चे मिले हैं मेरे, कितनी खुशी, बहुत खुशी है साहब, मुझे बहुत खुशी। नाम आपका? मेरा नाम राखी है। राखी जी, आज आप 13 साल बाद अपने घर आए, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं बहुत खुश हूँ कि इतने टाइम बाद मैं अपने घर आई हूँ और अपनी मम्मी से मिल रही हूँ, नानी से मिल रही हूँ, नाना, सब लोगों से। मुझे पता नहीं था मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। 13 साल पहले अगर मिशन कैसे गए थे, कुछ याद हो तो कुछ साझा करें। नहीं, अच्छे से याद नहीं है, बस ट्रेन में थी और अलग हो गई मम्मी से, और इतना दूर हो जाऊंगी पता ही नहीं था। फिर मैं अब एनजीओ में बड़ी हुई हूँ इतने साल, 10th और 12th वहीं से करी है, और अब मैं जॉब कर रही हूँ तो वहां से निकल गई हूँ अपने आप पर। तो जब यहाँ से आप बाहर गए तो कहाँ उतरे थे, ट्रेन में थे, ट्रेन से कहाँ उतरे थे आप? वो सब तो याद नहीं है। तो कहाँ एनजीओ में, किस एनजीओ में रही थी आप? मैं 2010 में मैं उदयन केयर में गई थी, तो वहाँ पे मैं गाजियाबाद में रही मैं, फिर थोड़े टाइम बाद ग्रेटर नोएडा में रही जब मैं 18 एंड अबव हुई, और उसके बाद अब मैं जॉब वगैरह कर रही हूँ तो गुड़गांव में रहती हूँ। की बात कितनी, आप कहाँ तक आपने स्टडी की, क्या रहा? अभी तो 12th की है, ग्रेजुएशन करूँगी। तो कहाँ जॉब कर रहे हैं और कहाँ? मैं अभी गुड़गांव में जॉब कर रही हूँ, शॉपर स्टॉप। अब आप यहाँ आए हैं, किस माध्यम से आप यहाँ आए, लंबे समय के बाद का माध्यम आपको मिला यहाँ पे आने लाने के लिए, कैसा रहा? मेरी भाई से बात हुई थी तो उसने बताया कि उसके एनजीओ का नरेश सर से कांटेक्ट में है, तो नरेश सर ने मतलब भाई की बात हुई होगी तो उन्होंने मतलब मम्मा को ढूंढने में हेल्प किया, उनको बताया कि हमारी मतलब मुझे सिर्फ अपनी मम्मा का नाम याद था, वो भी कंफर्म नहीं था, तो मैंने सर को बताया, कॉन्फ्रेंस कॉल पे भाई के साथ बात हुई थी तो मम्मी का नाम पता चला, फिर सर ने हेल्प किया तो मेन मम्मी के नाम से ही पता चला। अभी अपने आपकी फैमिली के साथ साथ आस पड़ोस की जमावड़ा लगा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ और थैंक यू आप लोगों ने हेल्प किया मम्मी से मिलने के लिए। अब आपका आगे का क्या प्लान है, आप यहाँ रहेंगे, क्या करेंगे आगे? सर अभी तो मैं जॉब करती हूँ तो ऐसे सब कुछ छोड़कर अचानक से नहीं आ सकती, बट हाँ थोड़ा टाइम पीरियड बाद ऑब्वियसली फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाऊंगी और या यही जॉब करने का देखूंगी।